बात पार्लियामेंट के इजलास की करते हैं जो कल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है और नई हुकूमत का बजट भी पेश होना है, इसलिए पार्लियामेंट पर सबकी नजरें रहेंगी। पार्लियामेंट का बजट सेशन कल से शुरू होगा, बजट इजलास कल से शुरू होना है और ये मानसून सेशन जो है वो कल तकरीबन 10:30 के आसपास शुरू होगा और इस बीच 23 तारीख को मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन अवाम के सामने बजट रखेगी। यानी 23 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास का वक्त दिया गया है जब निर्मला सीतारमन ऐवान में अपना बजट पेश करेंगी। कुल मिलाकर 19 सिटिंग्स यानी 19 बार नशस्तें बुलाई गई हैं। 12 अगस्त तक ये इजलास चलेगा और इस इजलास के दौरान तकरीबन 6 अहम तरीन बिलें मसौदे कानून जो है वो सामने रखेगी सरकार। इस बीच इतलात ये है कि हिज्ब इख्तिलाफ ने भी कमर कस ली है, कांग्रेस की तरफ से अपने तरीके से, समाजवादी पार्टी अपने तरीके से। इस बीच उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने भी इस बार इस बात का ऐलान किया है कि अवामी मफाद के अंदर वो ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत हुकूमत को घेरने का मंसूबा तैयार कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर कल से जो अहम तरीन इजलास शुरू होगा जिसमें मुल्क के सामने बजट भी रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले सियासी मशक बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और इत्तलात के मुताबिक कुछ अहम तरीन फैसले मरकज की तरफ से लिए जाएंगे जो ऐवान के सामने रखे जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह कि पार्लियामेंट का सेशन कल से शुरू होगा और 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा, कुछ अहम तरीन बिलें भी जो है वो पेश की जाएंगी। जी नाज़रीन, अब ज़रा ये बजट का जो इजलास कल से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा और 12 अगस्त तक ये इजलास चलेगा, उसके साथ साथ ही जो अपोजिशन की जो जिस तरह से उम्मीद है लोगों को कि मजबूत अपोजिशन है हिज़्ब इक़्तिदार, उसकी वजह से आवाम को भी काफ़ी उम्मीदें हैं और 6 बिलें माना जाता है कि इस बजट सेशन के दौरान पास की जाएंगी, उनको ऐवान में पेश किया जाएगा। अब ज़रा